हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में एक नया लेक्चर लेके आए हैं। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। हमने जो है पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड सीखा था, तो आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। हम यहाँ सीखेंगे कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए लॉ ऑफ सप्लाई हम सीखते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर सप्लाई मीन्स होता क्या है। सप्लाई टर्म इकोनॉमिक्स में जो है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो सप्लाई अगर इसका हम डिफिनेशन देखें तो क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय अ फर्म एट अ पार्टिकुलर प्राइस। इट मीन्स दैट जो कॉमोडिटी सेल के लिए ऑफर की जा रही है एट अ पार्टिकुलर प्राइस, वो हमारा क्या हो जाएंगी, वो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएंगी। अगर मान लीजिए एक फर्म है, फर्म ए, इसके पास जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हैं। ये कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए 30 प्रोडक्ट जो है, यह क्या करती है, ऑफर करती है सेल के लिए। तो 30 जो प्रोडक्ट हैं, ये मार्केट है, मार्केट में ये 30 प्रोडक्ट जो है ऑफर कर रही है कि कोई भी कंज्यूमर जो है परचेस कर सकता है। लेकिन ये खुद के पास 70 प्रोडक्ट क्या कर रही है, रख रहा है। 70 प्रोडक्ट खुद के पास ये सेलर रख रहा है। तो जो ये फर्म है, ये 70 प्रोडक्ट क्या है, ये क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होंगे क्योंकि इसको जो है मार्केट में सेल के लिए ऑफर नहीं किया गया है। कोई भी कंज्यूमर अगर इन 70 प्रोडक्ट में से खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी सेलर ने इन 70 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑफर नहीं दिया है। ओनली 30 प्रोडक्ट जो है सेल के लिए जो ऑफर किया गया है सेलर के द्वारा, वही कंज्यूमर के द्वारा जो है परचेस किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट ऑफर किया गया है ये एक पार्टिकुलर प्राइस पे जो है अवेलेबल है, जो किसी पार्टिकुलर टाइम पे है। ये पार्टिकुलर प्राइस जो है टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, जो हम यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई सीखते समय जो है देखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, इसका स्टेटमेंट है, क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट। इट मीन्स दैट जो सेलर क्वांटिटी सप्लाइड करता है सेल करने के लिए, वो क्या है, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है फ्रॉम द सेलर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। अगर कॉमोडिटी की प्राइस मार्केट में जो है इंक्रीज होगी तो जो हमारा सेलर होगा वो जो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर सेल होगी वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट हैं कम फर्म के वो मार्केट में जो है ज़्यादा अवेलेबल होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और जो प्रॉफिट है हमारा सेलर का वो जो है इंक्रीज हो सके। तो प्रॉफिट का प्रॉफिट अगर हम लिखेंगे तो प्रॉफिट हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस प्रोडक्ट पे जितना एक्सपेंडिचर किया है प्रोडक्ट को बनाने में। तो हमारा जो सेलर है वो प्रॉफिट कितना कमाता है, वो रिवेन्यू प्रोडक्ट को बेचने के बाद वो कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है माइनस उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना जो है कॉस्ट लगा है, उसको जब आप निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सेलर का प्रॉफिट। अगर हमारा इनके बीच गैप अधिक है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच, यानी प्रॉफिट ज़्यादा है, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सेलर क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई टू मार्केट फॉर सेल विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज, वो इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में ताकि अधिक से अधिक कंज्यूमर प्रोडक्ट का कंजम्पशन करे और जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा ये दिखाया गया है लॉ ऑफ सप्लाई को। वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा कॉमोडिटी का, क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर क्या होगा, इंक्रीज होगा। P1 था तो हमारा जो सप्लाइड क्वांटिटी थी वो क्या थी, Q1 थी। अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो गई P2, देन क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड इट विल बिकम Q2। तो कितना इंक्रीज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड में, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। ये हमारा क्या हो जाएगा,
इंक्रीमेंट इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर फॉर सेल। ठीक है, तो अभी हम कुछ फैक्टर देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, यानी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड को जो है अफेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। अगर हमारा कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी की प्राइस हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाइड बाय दी सेलर हम जो है एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा हमारे कॉमोडिटी का, तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी Q1 था, अगर P2 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो जाएगा, Q2। P3 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी Q3। और यहाँ पे जो Q3 है हमारा ग्रेटर देन Q2, ग्रेटर देन Q1। और प्राइस में क्या रिलेशन है, P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। इट मीन्स प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई टू मार्केट फॉर सेल आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इनके बीच जो रिलेशन है प्राइस प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, सेलर के द्वारा प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एट अ पार्टिकुलर प्राइस एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो अभी दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। में क्या इंक्लूड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या रहता है, हमारा रेंट हो गया, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्री सिचुएट होगी वो जो है लैंड का कुछ रेंट हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक का रेंट हो सकता है, या तो मशीनरी का रेंट हो सकता है। उसके बाद लेबर चार्ज हो सकता है, लेबर चार्ज, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को रन करने के लिए कैपिटल की नेसेसिटी होती है। और वो कैपिटल जो है हमें कहाँ से मिलता है, डिफरेंट इन्वेस्टर से मिलता है। एडवर्टाइजमेंट चार्ज, क्योंकि प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाना जो बड़ी बात नहीं है, उसका जो है कंज्यूमर के द्वारा कंजप्शन होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है फैक्ट्रियों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान सकें और उसका जो है कंजप्शन कर सकें। तो यहाँ पे एक ग्राफ मैंने ड्रा किया है प्राइस एंड क्वांटिटीज के बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच एक ग्राफ है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो कर्व है A' लॉ ऑफ सप्लाई का जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई टू मार्केट के बीच डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच ये कर्व था। जैसे प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है कॉमोडिटी के, उसी प्रकार हमारा ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अपवर्ड हमारा कब शिफ्ट होगा, जब हमारा सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और सप्लाई रिड्यूस कब होगी, जब हमारा प्राइस मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट का कम हो जाएगा, तो जो हमारा सेलर होगा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई टू मार्केट क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा। वो ये सोचेगा कि फ्यूचर में जब प्राइस इंक्रीज होगा तब वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि अगर कम प्राइस है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर है चेंज इन टैक्स पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी तक जो प्रोडक्ट 10 रुपए में बनता था, अगर टैक्स जो है इंक्रीज हो गया, तो वही प्रोडक्ट कितने में बनेगा, 12 रुपीज में। प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हुआ, हो गया, बढ़ गया। अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया और मार्केट में जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट रही, तो जो हमारा सप्लाई होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर देगा सेलर, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसका इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करेगा, सप्लाई डिक्रीज करेगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। वही चीज़ यहाँ ग्राफ से दिखाया गया है। फोर्थ फैक्टर है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए साइंस ने जो है बहुत तरक्की कर ली है या अभी प्रेजेंट टाइम में, और मान लीजिए फ्यूचर में जो कंपनी बिस्किट बनाती थी या कोई और प्रोडक्ट बनाती थी, पहले क्या था, मैनुअली बनाती थी। इसका मतलब है कि लेबर जो लगे रहते थे वो जो है प्रोडक्शन करते थे, तो जो है पर डे प्रोडक्शन होगा वो क्या हो सकता है, कमी रहेगा, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए साइंस ने जो है इम्प्रूवमेंट की उस सेक्टर में,
जो है मशीनरी आ गई। मशीनरी आने की वजह से क्या होगा, ये जो लेबर थे ये लेबर का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। अभी जो है मशीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी तो जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन जो है सडनली इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मशीनरी से प्रोडक्शन जो है कम होगा, सॉरी मशीनरी से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो उसको जो है लेबर चार्ज जो अभी तक देना था वो नहीं देना है, ठीक है। तो यानी वो जो प्राइस जो मार्केट में चल रहा था उसी प्राइस पे वो अपने ढेर सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में सप्लाई करेगा, ताकि अधिक से अधिक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है मार्केट में जो सेल हो रहे हैं वो अधिक हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर गेन, फ्यूचर गेन और लॉस। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि ये बैंक जो है बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो हम अपना पैसा क्या करते हैं, निकालने लगते हैं। तो उसी प्रकार लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि सेलर कभी कभी सोचता है कि अभी जो है मार्केट की कंडीशन अच्छी है, हो सकता है फ्यूचर में मार्केट की कंडीशन अच्छी ना हो, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है लोअर कास्ट पे भी बेचने सेल करने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह मई जून का जो सीजन होता है उसमें क्या होता है कि जो आइसक्रीम के विक्रेता है हमारे सेलर हैं वो अधिक से अधिक आइसक्रीम क्या करते हैं, सेल करते हैं। अगर उनका प्रॉफिट 2 रुपीज़ भी है तो वो सोचते हैं पूरा जो है प्रॉफिट गेन कर लिया जाए, क्योंकि जो नेक्स्ट सीजन है विंटर उसमें क्या है आइसक्रीम का कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेकुलेशन किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए, पॉलिटिक्स देखते हुए, बहुत चीज़ें देखते हुए जो है स्पेकुलेशन किया जाता है। उसके स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग जो सेलर है डिसीजन लेता है कि उसका जो है अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करनी है या तो डिक्रीज करनी है। हमारा 6th पॉइंट है नंबर ऑफ सेलर्स। अगर मार्केट में किसी एक प्रोडक्ट को बनाने वाले अगर 10 फैक्ट्री हैं तो, और एक जगह एक दूसरा प्लेस है वहां पे 20 सेलर है, तो जहां पे 10 सेलर है जाहिर सी है वहां पे क्वांटिटी जो सप्लाइड होगी वो कम होगी, और जहां पे 20 है वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा तो वहां पे जो सप्लाइड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या क्या, क्या सीखा, हमने जो है यहाँ पे ये देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई हमने समझा, लॉ ऑफ सप्लाई समझा, उसके कितने डिटर्मिनेंट्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है दूसरा टॉपिक चूज करेंगे जो हमारे SSC रेलवे एंड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लर्निंग।